भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑफिस रे आरंभ हो सारी आम पाखे अच्छा अनेक जो मैंने बाहर आसुच्च सीधा साल से आलोचना करवा सीए को लेकर आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है आप भी शामिल हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। हमने आज नया जन्म लिया है और भारत के अंदर आज हम पैदा हुए हैं, यूं समझ लो। मोदी को हम अपने दिल से अपने जान से हम ज्यादा चाहते हैं और हम उसका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो बहुत दिन से अपेक्षा कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा, वो काफी लोग भी यहाँ पे हैं, उन लोगों में क्या भाव है आज के दिन? आज के दिन इतना भाव है कि मैंने आपको कहा ना, हमने नया जन्म लिया है। आज भारत के अंदर यूं समझ लो नया जन्म है। जो 70 साल से पड़े थे उसको, जो 50 साल से, 20 साल से, 25 साल से जो भी रह रहे थे, आज उनका नया जन्म हुआ, नई बात हुई है और ये मोदी ने किया है और किसी के बस की बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो ही करते हैं हमारे। निश्चित भाव ये बड़ा दिन सेलिब्रेशन आप देखुए कैमरा पर्सन नीरज को कह देखिपे आतशबाजी फुटुची बाजा बाजुची जो मैंने आसी दीर्घ वर्ष धरी दिल्ली में, खास कर दिल्ली में जो मैंने रोते जो मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान आसी मजनू के टीला जो मैंने दीर्घ वर्ष वर्ष धरी रोते से आज बड़ दिन बोली सेलिब्रेशन कर दिल्ली बीजेपी अफिस् पक्ष ये जो सेलिब्रेशन आयोजन कराई इटे हजार हजार संख्य से भाव लोक मैंने जोग दे सीधा साल भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा हाँ, यह है कि हम आज हमें खुशी का माहौल आ गया सामने, तो आज हमारा दिल्ली पद अध्यक्ष जी के ऑफिस के अंदर हम यहाँ पे आए हैं जश्न मनाने के लिए और हमारे साथ वो शामिल हुआ है और हम बोल हर किसी की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी मिलेगा आज के दिन से। अमन हम तो कहते हैं कि 2024 तक जिसने भी एंट्री की है भारत के अंदर, हिंदू हो, उनके पासपोर्ट हो, आने की आरपी हो, उनको सिटीजनशिप दी जाए, सीए विले से किया जाए। मोदी जी है तो मुमकिन है और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और दिल्ली में जो हमारे सिख भाई और जो शरणार्थी भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान से आए हुए लोगों के अंदर खुशी है और उनके अंदर इतनी खुशी है कि आज उनको मोदी जी ने अपनी पहचान दी, भारत माता के लाल कहलवाए वो, इसलिए वो मोदी जी को आजीवन और अपनी उम्र भी मोदी जी को दे रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जय श्री राम के नारे के साथ पुनः हम लोग मोदी जी को 2024 में लाएंगे और उनको फिर से विजय कराएंगे। एभली भाव में अनेक संख्या रे जो मैंने रही जो बौद्धिस्ट कहतु पारसी कथा कहतु हिंदू कथा कहतु कि सिख भाई भाई भौणी कथा कहतु समस्ते आज एकजुट होती सेलिब्रेशन कर सारा देश में आज जेहेतु सीए को अपेक्षा था जे केबे लागू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खूब जल्दी आरंभ कर समस्ते आज सेलिब्रेशन मनाऊँ। कैमरा पर्सन नीरज सिद्धगर अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।